टिर्की फिटर के YouTube चैनल में स्वागत है आपका। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम टिर्की फिटर नॉन टेक्निकल बैच की टेस्ट सीरीज 5 को सोल्व आउट करेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका स्पेशल DFCCIL एग्जाम के लिए है, पार्ट 1। तो फ्रेंड, जो साथी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। क्लास शुरू करने से पहले आज का गोल्डन रूल है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये याद रखना है, अगर आपने अपने को अनुशासन में नहीं रखा तो अर्श से फर्श पर आते देर नहीं लगेगी। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैथ, जीएस और इंडियन रेलवे की जीके आपको मिलेगी यहां पर। क्लियर? तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, 912 847 843 872 924 का इकाई अंक ज्ञात करना है। तो फ्रेंड, ऑप्शन है हमारे पास 0 2 4 6। तो फ्रेंड देखिए इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। 912 का जो इकाई अंक है, 912 का इकाई अंक की गुना हम 847 के इकाई अंक में करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम पूरी गुना नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यदि हम पूरे की गुना करने बैठ गए तो पूरे एग्जाम में केवल एक ही सवाल होगा, समझ गए? तो फ्रेंड, यहां पर हमें अपना समय बचाना है, तो क्या करेंगे, इकाई अंक ज्ञात करना है तो केवल इकाई अंक की ही गुना करेंगे। 912 का इकाई अंक क्या है, 2 है, तो 2 के गुना हम 847 के इकाई अंक में करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 7 × 2 = 14, तो 14 आ गया। फिर 14 का हम इकाई अंक पकड़ेंगे 4, इस 4 के गुना 343 के इकाई अंक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12। फिर 12 के इकाई अंक की गुना हम 872 के इकाई अंक में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, 2 × 2 = 4। फिर 4 की जो गुना है हम 924 के इकाई अंक में करेंगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड, 16 आ जाएगा। 16 में इकाई अंक क्या है, 16 में इकाई अंक है 6, तो 6 हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 की पावर 21 × 27 की पावर 26 × 18 की पावर 62 × 49 की पावर 41 का इकाई अंक क्या होगा। देखिए फ्रेंड, इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, ऑप्शन है हमारे पास 0 4 6 8। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करेंगे फ्रेंड, अक्सर कर इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नंबर सिस्टम से है ये क्वेश्चन। तो कैसे इसको सोल्व आउट करना है चलिए देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है, पावर में 4 का भाग करना है। तो चलिए पावर में भाग करते हैं, 4 का भाग करना है हमको। पावर में 4 का भाग करेंगे तो पावर होती है ये 21, ठीक है। 21 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 × 5 = 20, तो एक शेष बच गया। अब इस एक शेष को इकाई अंक पर पावर चढ़ा देंगे, इकाई अंक क्या है, 9 है, 9 की पावर 1 कर देंगे, जो शेष आएगा फ्रेंड उसको इकाई अंक पर पावर चढ़ाना है। देखिए स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, जो शेष आया उसको इकाई अंक पर पावर लगाएंगे। क्लियर? तो ऐसे ही हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जब सोल्व करेंगे ऐसे तो ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। फिर 9 आएगा, 9 की पावर 1 करेंगे तो 9 आएगा, 7 की पावर 2 है तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 9 का 1 करेंगे, 9 की पावर 1 है तो 9 आ जाएगा। देखिए मैंने आपको बता दिया है कि ये आया कैसे, इसमें भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, पावर में 4 का भाग करेंगे क्या आ जाएगा, 4 × 24, ठीक है, 4 × 24, 2 आया, इस 2 को 7 की पावर पर चढ़ाना है, इकाई अंक क्या है, 7 है, 7 जो है इकाई अंक है ना, तो 7 पर
इसको पावर चढ़ा देना है जो शेष आया हमारा। शेष क्या आया? दो आया। तो ऐसे ही इनमें ये कंडीशन बनेगी। तो फ्रेंड क्या आ जाएगा, ये कंडीशन बन जाएगी और फिर इसको सोल्व करके ये आएगा। फिर 9 की जो गुना है इकाई अंक में करेंगे, 49 के इकाई अंक में करेंगे तो फ्रेंड क्या आ जाएगा, 81। फिर 81 का इकाई अंक क्या है, 1 है। 1 की गुना 64 के इकाई अंक में करेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर 4 की गुना हम 4 की गुना करेंगे 9 में तो क्या आएगा, 36 आ गया। अब 36 में इकाई अंक क्या है फ्रेंड, 36 में इकाई अंक है 6। ये हमारा आंसर आ जाएगा और ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग 136 है तथा उनका अंतर 78 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 110, 120 और 107। 110, 100, 120, 107। तो फ्रेंड कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे, डायरेक्ट ट्रिक से हम इसको सोल्व करेंगे, ट्रिक मेथड से। ठीक है, देखिए बड़ी संख्या यदि पूछी है, यदि बड़ी संख्या की बात करें तो क्या करना है, दोनों को जोड़कर दो से भाग। अब दोनों कौन से दोनों को जोड़ना है, 136 और 78 को जोड़ेंगे और दो से भाग कर देंगे। यदि बड़ी कहा है तो प्लस करेंगे, यदि छोटी कहा है तो दोनों को माइनस करेंगे। ठीक है, छोटी यदि कहता है, छोटी संख्या, तो माइनस कर देंगे, दोनों को घटा देंगे और दो से भाग करेंगे। यदि बड़ी कहता है तो प्लस करेंगे। क्लियर। अब 136 प्लस 78 बटे 2 तो क्या आ जाएगा, 214 बटे 2, 107 आ गया फ्रेंड। बड़ी संख्या क्या आ गई, 107। छोटी संख्या भी ज्ञात कर लेते हैं तो दोनों को घटाकर दो से भाग, 136 में से 78 बटे 2 क्या आ गया, 58 बटे 2 तो 29 आ जाएगा। तो फ्रेंड जांच कर लेते हैं इसकी, ये केवल आपके लिए है कि एग्जाम में आप जांच भी कर सकते हैं। क्लियर। बड़ी संख्या प्लस छोटी संख्या इक्वल टू क्या हो गया, 107 प्लस 29, 136 आना चाहिए और 136 आ गया, यानी क्या हमारा आंसर सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 57 इंटू 57 माइनस 56 इंटू 56। ऑप्शन है हमारे पास 115, 108, 125, 113। फ्रेंड देखिए हमें 57 को ए मानना है और 56 को बी मानना है। क्लियर। तो क्या बन जाता है यहां पर, यहां पर बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सूत्र बन जाता है फ्रेंड। और ये सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ए माइनस बी, ये होता है। तो ये कंडीशन हमें दी गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमें ये अप्लाई करनी है। तो क्या करेंगे, ए का मान क्या है, 57 है, बी का मान क्या है, 56 है, और ऐसे यहां पर ए का मान 57 और बी का मान 56। तो 57 में 56 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 113, और 57 में से 56 गया एक, दोनों के गुना करेंगे तो 113 आंसर आ जाएगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 97 इंटू 97 माइनस 97 इंटू 94 प्लस 94 इंटू 94 बटे 97 इंटू 97 इंटू 97 प्लस 94 इंटू 94 इंटू 94। देखिए फ्रेंड क्या होता है इसमें, जो ऊपर कंडीशन है ये 97 है, 97 को हमें ए मानना है, ठीक है, और 94 को हमें बी मानना है। क्लियर। 94 को हमें क्या मानना है, बी मानना है। अब यहां पर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 97 को हमने ए मानना तो 97 इंटू 97 क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। और यहां पर क्या है, 97 ए और 94 क्या है, बी, और प्लस क्या है, 94 को बी माना है तो बी स्क्वायर हो जाएगा। 94 इंटू 94 की गुना हुई ना तो क्या हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ऐसे ही नीचे करेंगे, नीचे देख रहे हैं आप, 97 को हम ए मानेंगे और 94 को आप बी मानेंगे तो क्या बन रहा है यहां पर, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है फ्रेंड्स। क्लियर। चलिए अब देखते हैं विस्तार से। देखिए फ्रेंड यहां पर हमने ए माना है 97 को और यहां पर बी माना है 94 को। क्लियर। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है।
यहां पर हमें ये चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, यहां पर हमें ये ध्यान रखना है। अगर ये चिन्ह प्लस में है तो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, अगर ये चिन्ह माइनस में है तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है फ्रेंड, जो ऊपर कंडीशन बन रही है ये कंडीशन ये बन रही है, अभी मैंने आपको करके दिखाया है, ए स्क्वायर बन गया, ए माइनस बी हो गया, नहीं माइनस ए बी हो गया, और ये हो गया बी स्क्वायर, क्लियर। और नीचे बन रहा है ए क्यूब प्लस बी की क्यूब। तो फ्रेंड ये तो हमने यहां पर कांस्टेंट रखा है, क्लियर। अब ए की क्यूब बी की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये चीज नोट कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन इस वाली ये सेम है, इसलिए इसको काट देंगे, क्लियर। तो क्या बचा, ऊपर वन बचा, वन बटे ए प्लस बी। अब ए प्लस बी हमने क्या माना था, ए माना था हमने 97 और बी माना था 94, तो 1/97 प्लस 94 हो जाएगा और 1/191 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, सभी साथियों को क्लियर हो रहे हैं क्वेश्चन, कमेंट करके सभी साथी बताएंगे कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है, जो आपको मैं आपको बता रहा हूं ये क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सभी साथी से रिक्वेस्ट है कृपया कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 2 की पावर 40 का आधा कितना होगा। ऑप्शन है हमारे पास 2 की पावर 50, 2 की पावर 39, 2 की पावर 41 और 2 की पावर 48। देखिए फ्रेंड, इसमें कैसे उसको सोल्व आउट करना है, महत्वपूर्ण बात क्या है, महत्वपूर्ण बात है कि 2 की पावर 40 है, इसका हमें आधा करना है। तो क्या है, किसी भी नंबर का आधा करने के लिए क्या करते हैं, 2 से भाग करते हैं फ्रेंड, 2 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब चलते हैं, देखिए ऊपर अंश में संख्या पावर के रूप में है फ्रेंड, 2 की पावर 40 है, यानी क्या है पावर के रूप में है, तो इस कंडीशन में सोल्व करने के लिए दोनों संख्याओं को पावर के रूप में क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हमने 2 से भाग कर दी, अब 2 को पावर के रूप में बनाने के लिए जिस संख्या की कोई पावर नहीं होती फ्रेंड्स, उस संख्या की 1 पावर होती है। ठीक है, तो 2 की पावर 1 कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 ही रहेगा ना, लेकिन हमें पावर के रूप में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 40 बटे 2 की पावर 1। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिए, प्लस की 1 पावर को ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, ये पावर फिलहाल प्लस में है, तो जब इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो माइनस में हो जाती है, पावर में से 1 पावर घट जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 40 माइनस 1 क्या आ गया, 2 की पावर 39, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 36 सेकंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है। ऑप्शन है हमारे पास 10%, 5%, 3% और 1%। कैसे इसको सोल्व आउट करेंगे चलिए देखते हैं। 36 सेकंड 1 घंटे का, देखिए फ्रेंड ऐसी कंडीशन में क्या है, ऐसी कंडीशन में दोनों राशियों को बराबर करना पड़ता है। राशि क्या होता है, ये जो मात्रक है इसके सामने ये राशि है ना, सेकंड और ये घंटे, तो ये होता है राशि, इन राशियों को बराबर करना होता है तभी हम इसको सोल्व आउट कर सकेंगे, क्लियर। चलिए देखते हैं, 1 घंटे में, देखिए फ्रेंड यहां पर आप या तो सेकंड को घंटे में बना लो या घंटे को सेकंड में बना लो, क्लियर, सेकंड को या तो घंटे बना लो या घंटे को सेकंड। और फ्रेंड छोटी चीज को बड़ा नहीं किया जा सकता, बड़ी चीज को तो छोटा किया जा सकता है लेकिन छोटी को बड़ी नहीं किया जा सकता, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे, तो 1 घंटा बराबर क्या है, 60 मिनट है। ठीक है, तो 1 मिनट बराबर क्या होता है फ्रेंड, 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, तो ये मिनट जो है यहां पर रख देंगे, 1 मिनट की जो वैल्यू है ये हम यहां पर रखेंगे, गुना हो जाएगी, तो 1 घंटा बराबर क्या है, 60 × 60 हो जाएगा 3600 सेकेंड। अब यहां पर हमारा क्वेश्चन इजिली बन गया है, यहां पर हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। 36 सेकेंड 3600 सेकेंड का कितना प्रतिशत है, अब यहां पर देखिए
जिस संख्या के आगे का या में से लिखा होता है तो उस संख्या को हमेशा क्या लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। का या में से होता है तो उस संख्या को क्या लिखते हैं, बटे में। अब प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, गुना 100 करते हैं। तो 3600 को 3600 के आगे क्या है, गुना है। 3600 के आगे क्या लिखा है, का लिखा हुआ है, तो 3600 को नीचे लिखेंगे। और क्या बचा इसमें, 36 बचा, तो 36 को ऊपर लिखेंगे और इंटू 100। क्लियर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 36 से 36 कैंसिल हो गया और 1% आंसर आ गया हमारा। ये 1% कौन से ऑप्शन में है, 1% ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि ए अनुपात बी की वैल्यू 7:9 है और बी अनुपात सी की वैल्यू 1:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास 12:15:16, 13:14:17, 7:9:45, 19:16:18। तो फ्रेंड कैसे इसको सोल्व आउट करना है, देखिए। स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे, आप ए अनुपात बी अनुपात सी को लिख लेंगे और ए अनुपात बी की जो वैल्यू है ए अनुपात बी के नीचे लिखेंगे और जो बी अनुपात सी की जो वैल्यू है वह बी अनुपात सी के नीचे लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए, जिस संख्या के आगे खाली स्थान होता है उसी संख्या को आगे बढ़ाते हैं। अब 9 के आगे खाली स्थान है तो 9 को आगे बढ़ाएंगे, 1 के आगे खाली स्थान है तो 1 को आगे बढ़ाएंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे, यही करेंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी हमने लिख लिया था कि ए अनुपात बी के नीचे लिख लिया था ए अनुपात बी और बी अनुपात सी के नीचे लिख लिया था हमने बी अनुपात सी। 9 के आगे खाली स्थान है तो 9 को आगे बढ़ाया हमने और 1 के आगे खाली स्थान है तो 1 को आगे बढ़ाया। अब क्या करेंगे, गुना कर देंगे फ्रेंड्स। 9 की गुना 5 में करेंगे तो 45, 1 की गुना 9 में करेंगे तो 9 और 1 की गुना 7 में करेंगे तो 7। 7:9:45 आ गया। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है, 18 वर्ष पहले उनकी उम्र क्या थी, 8:13 के अनुपात में थी तो उनकी उम्र क्या होगी। ऑप्शन है हमारे पास 50 वर्ष और 70 वर्ष, 25 वर्ष और 35 वर्ष, 45 वर्ष और 63 वर्ष, 40 वर्ष और 56 वर्ष। तो फ्रेंड देखिए इसमें कैसे इसको सोल्व आउट करना है। नोट, जब भी क्वेश्चन में डबल अनुपात आए तो चाहे क्वेश्चन में पहले लिखा हो या बाद में लिखा हो, जैसे कहते हैं कि 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, ये जो बाद और पहले लिखा हो तो फ्रेंड्स पैटर्न जो है यही फॉलो होगा जो इस क्वेश्चन में हम फॉलो करेंगे। क्लियर। अब वर्तमान आयु क्या दी गई है, वर्तमान आयु दी गई है 5:7। आप देख सकते हैं वर्तमान आयु हमारी क्या है, 5:7 है। ठीक है। अब 18 वर्ष पहले की बात की गई है तो 18 माइनस करेंगे फ्रेंड, 18 माइनस करेंगे, 18 वर्ष पहले है ना, किस में से माइनस करेंगे, वर्तमान आयु में से माइनस करेंगे। वर्तमान एक की आयु जो है 5 है और एक की है 7। तो फ्रेंड इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए हम 5 को ए मानेंगे, 5 ए करेंगे, 5 ए में से 18 कर देंगे। क्लियर। बटे 5:7 है। ठीक है। और अनुपात का सामान्य अर्थ होता है बटे से, तो इसलिए हमने 5:7 कराए। क्लियर। और वर्तमान आयु 5 वर्ष है इसलिए 5:7 किया और 18 वर्ष पहले की बात की गई है तो आइडेंटिफाई करने के लिए एक लिख दिया हमने कि एक व्यक्ति की आयु क्या है, 5 ए है वर्तमान आयु, और 18 वर्ष पहले की बात की गई तो 18 हमने माइनस किया, 5 ए माइनस 18। क्लियर। और 7 ए माइनस 18। ठीक है फ्रेंड्स। और उन दोनों की आयु का अनुपात क्या है, 18 वर्ष पहले उन दोनों की आयु का अनुपात था 8:13, यानी 8:13 था, तो अनुपात का सामान्य अर्थ क्या हो गया, बटे से, तो 8:13 लिख दिया हमने। क्लियर। क्रॉस गुना करेंगे फ्रेंड्स। क्रॉस गुना जब हम करेंगे क्या आ जाएगा, 13 की गुना इसमें करेंगे 65-234 बराबर, और 7 की गुना उधर करेंगे तो 8×7=56
-144। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए प्लस वाले पद एक और करेंगे, जो चर पद हैं वो एक और करेंगे और अचर पद एक और करेंगे। ये तरीका होता है जब इस तरह कंडीशन हो। यो ए जो है ए को हम उधर करेंगे, माइनस में जाएगा, तो 65 ए माइनस 56 ए इजकल टू माइनस के 144, और ये प्लस का है अचर पद, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 234। यहाँ बचा 9 ए इजकल टू 90, ए की जो वैल्यू आ गई ये आ गई 10। अब पहले व्यक्ति की जो वर्तमान आयु थी वह थी हमारी 5 ए। अब ए की जो वैल्यू आई, ए की वैल्यू हम इसमें गुना कर देंगे तो 50 वर्ष आ गई। दूसरे व्यक्ति की जो वैल्यू है, जो दूसरे व्यक्ति की जो आयु थी वह थी 7 ए। ठीक है, अब ए की जो वैल्यू आई है गुना करेंगे तो 70 वर्ष आ जाएगी। तो हमारी जो आयु आ गई उन दोनों की, तो वह कितनी है, 50 वर्ष और 70 वर्ष। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नर्मदा और दिव्या की आयु का जो अनुपात है 4:3 है, ठीक है, और उनकी आयु का जो योग है वह 28 वर्ष है। क्या है, 28 वर्ष। तो 4 वर्ष बाद उनकी आयु क्या होगी, बाद कहा है फ्रेंड्स, बाद, तो बाद कहा है तो प्लस करेंगे, क्लियर, 4 में जोड़ेंगे। चलिए ऑप्शन है हमारे पास 5:4, 5:6 और 6:5 और 3:4। देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा की आयु, नर्मदा और दिव्या की आयु क्या है, 4 ए और 3 ए, ये हमने मान लिए क्योंकि हमें आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो योग क्या हो गया, योग हो गया इनका 4 + 3, 4 ए + 3 ए, ये हो जाएगा 7 ए। देखिए फ्रेंड्स, हम कह रहे हैं कि दोनों की आयु का योग 7 वर्ष है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि दोनों की आयु का जो योग है ये 7 ए वर्ष है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है। तो यहां से ए की वैल्यू पता हो जाएगी, एक व्यक्ति की जो आयु है यहां से पता हो जाएगी, 7 ए = 28 और ए की वैल्यू क्या आ गई, 4 वर्ष आ गई। अब देखिए फ्रेंड्स, नर्मदा की जो आयु है हमने मानी थी 4 ए, अब ए की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 4, तो 4 से गुना करेंगे तो 16 वर्ष आ गई। दिव्या की जो आयु है ये हमने मानी थी 3 ए, तो 3 × 4 करेंगे तो 12 वर्ष आ गई। अब देखिए यहां से 4 वर्ष बाद नर्मदा की आयु, ये हमें क्वेश्चन में कहा गया है लास्ट में, देखिए 4 वर्ष बाद ये नर्मदा की आयु कहा गया है, तो क्या करेंगे, ये तो हमने वर्तमान आयु ज्ञात करी इन लोगों की, वर्तमान आयु, ठीक है, तो 4 वर्ष बाद नर्मदा की आयु क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु में जोड़ देंगे 4, बाद का है ना, इसलिए तो 20 वर्ष आ गई। और 4 वर्ष बाद दिव्या की आयु क्या हो जाएगी, जो दिव्या की आयु क्या थी, वर्तमान आयु थी 12, इसमें 4 जोड़ेंगे तो 16 वर्ष आ गई, क्लियर। अब इन दोनों की आयु का अनुपात कहा है, तो अनुपात क्या हो गया, 20:16, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 5:4 आ जाएगा। ये हमारे कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास 25, 50, 52, 51। तो फ्रेंड विषम संख्या क्या होती है, जो संख्या 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 के अंतराल में होती है, या जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहते हैं। तो फ्रेंड 50, प्रथम 50 संख्या की बात की गई है, तो देखिए इनके बीच में सम संख्या भी आ रही है, ठीक है, तो यानी क्या है, 2 का गैप है इन संख्याओं में, तो इसलिए क्या करेंगे, इनका डबल कर देंगे, 50 का डबल करके एक माइनस कर देंगे, तो अंतिम संख्या क्या आ जाएगी, 99, क्लियर। देखिए यदि हम अंतिम संख्या 50 ही लिख दें तो विषम संख्या 25 होगी, विषम संख्या क्या होगी, 25 होगी, क्योंकि इनके बीच में सम संख्या भी है। इसलिए फ्रेंड्स, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 50 विषम संख्या कहा गया है, तो हम क्या करेंगे,
उसका डबल करके माइनस करेंगे। यदि क्वेश्चन में प्रथम 50 सम संख्या आए या विषम संख्या आए तो अंतिम संख्या क्या होगी? तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, सम संख्या है तो अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि 2 का गैप है। और यदि संख्या विषम है तो संख्या क्या हो जाएगी, अंतिम संख्या क्या होगी, 100 में से एक कर देंगे, 50 का डबल करके 100 में से एक कर देंगे तो 99 होगी। फ्रेंड्स सभी साथियों को क्लियर हो गया कि हमने डबल क्यों किया, 99 क्यों लिखा यहां पर? ये क्लियर हो गया सभी साथियों को? ये कमेंट करके बताएंगे सभी साथी कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। ये क्यों किया, क्योंकि संख्याओं में 2 का अंतर है इसलिए हमने डबल किया। जब पदों में समान अंतर हो तो फ्रेंड औसत क्या होगा, औसत होगा फ्रेंड जब पदों में समान अंतर हो, समान अंतर है 2 का गैप है सभी पदों में, तो फ्रेंड औसत होगा पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो 1 है पहली संख्या और अंतिम संख्या क्या है, 99 बटे 2, तो क्या आ जाएगा, 100 बटे 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। और यदि क्वेश्चन में कहा जाता कि प्रथम 50 सम संख्याएं हो तो औसत क्या होता फ्रेंड्स, औसत होता पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या क्या हो जाती है, 100 हो जाती है, और बटे 2, तो 101 बटे 2 इक्वल टू क्या आ जाता फ्रेंड, 5.5, ये हो जाता हमारा आंसर। देखिए फ्रेंड यहां से एक चीज नोट कीजिए आप, यदि औसत, यदि क्वेश्चन में कहा जाए विषम संख्याओं का औसत पूछे, विषम संख्याओं का औसत पूछे तो आंसर आएगा सम संख्या में। क्लियर? आंसर आएगा सम संख्या में। और यदि यदि क्वेश्चन में कहा जाए सम संख्याओं का औसत, सम संख्याओं का औसत कहे तो आंसर आएगा पॉइंट में आएगा आंसर। क्लियर? आंसर आएगा पॉइंट में, ध्यान रखना। यहां से एक चीज और नोट कीजिए आप लोग, यदि क्वेश्चन में कहा जाए प्रथम 50 तक, प्रथम 50 तक की सम संख्याओं का औसत, तो फ्रेंड्स अंतिम संख्या क्या करेंगे, अंतिम संख्या क्या रखेंगे, 50 ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में फ्रेंड, इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में लिमिट रख दी गई है कि 50 से आगे नहीं जाना, 50 तक, यानी 50 उसमें शामिल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक आदमी 2500 रुपये में एक वस्तु खरीदता है तथा 3000 रुपये में बेच देता है तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन है हमारे पास 20%, 30%, 40% और 50%। तो फ्रेंड 2500 रुपये में खरीदा यानी क्रय मूल्य है और 3000 रुपये में बेच देता है तो विक्रय मूल्य है। देखिए कम में खरीदा और ज्यादा में बेच देता है तो लाभ होता है। 500 रुपये का लाभ हुआ, 500 रुपये का जो फायदा हुआ वह कितने पर हुआ, यह हुआ 2500 पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हम वृद्धि या हानि, देखिए लाभ या हानि को हमेशा हम क्रय मूल्य पर देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लाभ हो या हानि हो इसको हम हमेशा क्रय मूल्य पर देखते हैं, यानी जिस जितने पर हमने वह खरीदी उसी पर ही हमें पता लगेगा कि लाभ हुआ या हानि हुई। समझ रहे हो? तो फ्रेंड क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत इक्वल टू क्या हो जाएगा, और क्रय मूल्य को हमेशा नीचे रखते हैं, क्रय मूल्य को हम हमेशा नीचे रखते हैं, बटे में 2500 हो जाएगा। और ऊपर क्या है, जो संख्या पूछी जाइए, मतलब जिस संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको हमेशा ऊपर लिखते हैं। पूछा क्या गया है, लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ कितना हुआ, 500 का हुआ, तो ये हमें ऊपर रखना है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 25 से 500 कैंसिल हो गया, 20% आ गया हमारा, 25 दूनी 50, 20%, 20% का लाभ हुआ। ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यदि 16 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारे पास 20%, 30%, 40% और 45%।
तो फ्रेंड देखिए, 16 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। और का मतलब क्या होता है? गुना होता है। का मतलब क्या है? गुना है। तो 16 इंटू लागत मूल्य, 20 इंटू विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, अब लागत मूल्य, अब यहां पर एक चीज नोट कीजिए आप, जब भी क्रय और विक्रय मूल्य गुना में हो, क्रय और विक्रय मूल्य गुना में हो तो एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या होंगे? विपरीत होंगे। देखिए लागत मूल्य, लागत मूल्य ये होता है क्रय मूल्य। ठीक है, लागत मूल्य को क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्लियर? 16 की गुना में है, क्रय मूल्य 16 की गुना में है, तो ये जो 16 है ये जाएगा विक्रय मूल्य के नीचे, और जो 20 जो विक्रय मूल्य की गुना में है ये जाएगा इसके नीचे। क्लियर? तो फ्रेंड्स ये आ गया हमारा लागत मूल्य 20 और विक्रय मूल्य 16। यानी 20 में तो खरीदा, ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया, कम में बेचा तो क्या आ गया? 4 का इसे हानि हुई। 4 की जो हानि हुई ये कितने पर हुई? 20 पर, क्योंकि 20 में खरीदी थी। क्लियर? तो फ्रेंड क्या हो गया? 4/20 इंटू गुना के लिए, प्रतिशत के लिए गुना 100, तो 20 × 100, 5 की गुना करेंगे 4 में तो 20%। 20% फ्रेंड, 20% की उसे हानि हुई। और ये हमारे कौन से ऑप्शन में हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए ये स्पेशली डीएफसीसीएल के नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जनरल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। डीएफसीसीएल के एग्जाम में जनरल साइंस भी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स यहां से जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिए, यहां से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर के आविष्कारक का नाम क्या था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन के आविष्कारक का नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो डायनामाइट के आविष्कारक का नाम है अल्फ्रेड नोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इनके आविष्कार का नाम है थॉमस अल्वा एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबी एवं हैजे के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट कॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लेड स्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड फ्लोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम्योपैथी दवा का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका आविष्कारक का नाम है हनीमैन। क्लियर? हनीमैन के नाम से विख्यात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा फंक, इसके आविष्कारक का नाम है फंक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड जेनर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाटसन तथा किर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन मेटल का मिश्रण तत्व ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसका मिश्रण तत्व हो जाएगा कॉपर टीन जिंक, और कॉपर टीन जिंक में कॉपर 88%, टीन 10% और जिंक 2%। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में अक्सर बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूज मेटल का मिश्रण तत्व ज्ञात कीजिए। तो मूज मेटल में मिश्रण तत्व है कॉपर और जिंक, कॉपर 60% और जिंक 10, जिंक हो जाएगा 40%। और यदि फ्रेंड अनुपात पूछ ले तो 60:40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 2 3 6 और 2 2 4, 3:2। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबिट मेटल का मिश्रण तत्व ज्ञात कीजिए। तो बेबिट मेटल किन धातु का मिश्रण होता है? तो टीन, एंटीमनी और कॉपर का मिश्रण होता है। टीन 88%, एंटीमनी 8% और कॉपर 4%। फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
जिंक धातु का अयस्क ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा जिंक ब्लेंड, कैलामाइन और जिंक स्पार, तीन अयस्क हैं इसके। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड एल्यूमिनियम के अयस्क होता है बॉक्साइट, कोरंडम और कार्योलाइट। फ्रेंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है एग्जाम में, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट सूचना है आप लोगों के लिए, सभी अयस्कों एवं उनकी रासायनिक सूत्र, इसकी अलग से एक वीडियो चैनल पर अपलोडेड है और प्लेलिस्ट आप लोग चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट चेक करें, टिर्की फ्यूटर नॉन टेक्निकल बैच। सभी साथी इसको देखें, जो साथी चैनल पर नए आए हैं उन सभी के लिए है ये पीडीएफ, और एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाएगा। सभी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम एवं सूत्र ज्ञात कीजिए। रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र हो जाएगा N2O, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी जल का रासायनिक नाम एवं रासायनिक सूत्र। तो रासायनिक नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम ऑक्साइड और रासायनिक सूत्र हो जाएगा D2O, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का व्यस्त भाग, सबसे व्यस्त भाग कौन सा होता है? तो फ्रेंड सबसे व्यस्त भाग होता है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड हमारे शरीर की जो सब अस्थियों की जो कुल संख्या होती है वह होती है 206, यानी हड्डियों की जो संख्या होती है 206 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो फ्रेंड्स मांसपेशियों की संख्या होती है 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? यहाँ पर विटामिन ई कर लेना, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग रोग से हमारे शरीर का कौन सा भाग यानी कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बगले या कांख, आर्मपिट्स, फेफड़े या लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इंडियन रेलवे जीके, इंडियन रेलवे जी के हिस्ट्री। फ्रेंड्स DFCCL के एग्जाम में एक पार्ट ये भी है, इंडियन रेलवे जी के भी बहुत क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, देश का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरी क्वीन। इसका निर्माण हुआ था 1855 में, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इसके अध्यक्ष हैं सुनीत शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड ये हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का क्षेत्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो फ्रेंड भारत में सर्वप्रथम रेलवे की जो शुरुआत है ये कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में, क्लियर। और ये जो रेल चली थी सबसे पहले ये कहाँ पर चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी यानी महाराष्ट्र में, और कितनी चली थी? 34 किलोमीटर। और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी, किसके शासनकाल में? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और फ्रेंड्स ये कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। कितनी लंबाई है? 1366.33 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में किस मेट्रो को विश्व की सबसे कम उत्सर्जन करने वाली मेट्रो रेल के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के प्रतीक में कितने तारे हैं? तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 तारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस्तीफा देने वाले रेल मंत्री,
इस्तीफा देने वाले रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को समझना, प्रथम रेल मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं, रेल दुर्घटना के कारण पहले जो रेल मंत्री थे उसकी बात की जा रही है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल यात्री बीमा योजना कब शुरू हुई, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1994। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, रेलवे पुलिस फोर्स कब गठित हुआ, तो फ्रेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882। क्लियर सभी फ्रेंड्स को, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपनी सभी फ्रेंड्स सर्कल में। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।